बिहार की जनता जानती है कि जो हमारे सामने जो उम्मीदवार हैं हसुआ हथौड़ा वाले, हम लोग को कलम से काम चलता है, हसुआ हथौड़ा से ठोकने और काटने से नहीं चलता है। ये लोग गरीब गुरबा के ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोग हैं, किसी का है ज़मीन उस पर कब्जा कर लेंगे। झंडा घर आज एक नया मामला मेरे सामने आया, CPM का जो कार्यालय है, एक बेचारा गरीब का वो ज़बरदस्ती ज़मीन पर वो ऑफिस बना लिए हैं, कार्यालय बना रहे हैं। कई चैनल के माध्यम से हमने बयान को देखा है, वो जिनका ज़मीन है उनके पूर्वज एक कट्ठा ज़मीन दान दिए थे, 14 या 16 धुर वो ज़बरदस्ती दाब लिए। तो ये लोग ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोग हैं। और चूँकि वो समय लोग याद करता है पूर्व का, वही शासन लाने चाहता है ये इंडिया गठबंधन के लोग, ज़बरदस्ती लोगों का घर पे कब्जा करो, ज़बरदस्ती लोगों का ज़मीन कब्जा करो, गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2005 से आज तक के शासनकाल में जो न्याय के साथ विकास हुआ, हर तबका का हर व्यवसायी निडर होकर के निर्भीक होकर के, ऐसा नहीं लग रहा कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की जनता को आप जो है डरा रहे हैं इन चीज़ों से? नहीं, डरा नहीं रहा, स्पष्ट है, सब जनता जान रही है ये जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी का क्या है। और स्पष्ट है ये लोग लाल झंडा गाड़ना है और ज़मीन को हड़पना है, तो सब आदमी सतर्क है कि और जो ने जिस बिहार में हमारे नेता ने जो लोगों को आज़ादी दी है उस पर मुहर लगाएगा लोग। नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर जो काम किया है, आज देश दुनिया में चर्चा है देश के प्रधानमंत्री के कामों का। मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। लोकसभा चुनाव सर पर है, 7 मई को ही मतदान होना है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में। तमाम प्रत्याशी जनता के बीच हाजिरी लगा रहे हैं। वहीं तपती दोपहरी में बबलू मंडल है, नीतीश कुमार के जिलाध्यक्ष हैं, खगड़िया के सच्चे सिपाही हैं, नीतीश कुमार के काफी बेहद करीबी हैं, पूरा जो है पसीना बहा रहे हैं। बबलू जी, क्या होगा खगड़िया में? खगड़िया में एक तरफा यहाँ है, हम लोग बहुत वोटों से जीत रहे हैं, NDA से राजेश वर्मा जीत रहे हैं, और लगातार चूंकि ये दो धारा की लड़ाई है, एक तरफ विनाश की ओर बिहार को ले जाएगा, देश को ले जाएगा, और एक तरफ नेता स्पष्ट है और एक तरफ है विकास का, जो हमारे नेता बिहार के अंदर जो इतना काम किए, 2005 में जो जंगल राज था पूर्व का, और 2005 से आज तक का शासन, न्याय के साथ विकास हुआ है जो, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है, ये दोनों नेता के नाम पर राजेश वर्मा को वोट हमारे खगड़िया के सभी जनता मालिक दे रहे हैं।